नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बाबा जी, ये कौन सा रास्ता है, कौन सी रोड है ये? हाँ, शक्ति भवन रोड है। आपका नाम क्या? मेरा हीरा। अभी आप इस पे चिपक के बैठे हुए थे, अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर तार कटे हुए हैं और करंट मार सकता है। तो जो ये विद्युत विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो रोज यहाँ पे, आज तक आपने देखा था कि तार कटा हुआ है? नहीं तो तार नहीं दिखे ना कटा। हाँ, तो ये लापरवाही हुई ना विद्युत विभाग की। हाँ। क्या कहेंगे विद्युत विभाग के कर्मचारियों को, लाइनमैन को, जो ऐसे खुला तार छोड़ के चले जाते हैं? छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि उनको इस जबलपुर की जनता की कोई परवाह नहीं। अब जैसे आप चिपक के बैठे हुए, मान लीजिए हाथ वगैरह आपने खोला, हाथ उस तार पे चपक जाता, तब फिर क्या होता? ऊपर चले जाते हैं और फिर उसके बाद कोई विद्युत कर्मचारी जो जवाब देता कि मतलब मेरी गलती से ऐसा हुआ है? क्या कहना चाहिए जो, तो क्या करना चाहिए लाइन मैन को, कैसे जो ये वायरिंग करनी चाहिए लाइन को? उसको है ना, तो टेप लगाना चाहिए, इसको टेप लगा करके ठीक करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। लेकिन इतने लापरवाह लोग हैं कि पूरे बाहर खुले छोड़ दिए हैं, जैसे यहाँ पर कोई कुत्ता तक नहीं आता होगा। हाँ, कुत्ता तक नहीं आता है, लापरवाही से छोड़। इतने सारे लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के ऐसे खोल करके लगा दिया है। ऐसे खोल के लगा दिया है, यही ड्यूटी होती है लाइनमैन की क्या? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, टेप लगाना पड़ता है। टेप लगाना चाहिए, अच्छे से वायरिंग करनी चाहिए। हाँ। कोई मरे ना, किसी को करंट ना लगे, इसकी जिम्मेदारी भी है ना लाइनमैन की। कोई मरे ना, इसका बचत होता है। लेकिन ये जबलपुर के जो विद्युत कर्मचारी हैं, जो लाइन मैन है, जो विद्युत क्षेत्र के लोग हैं, जिस तरीके से यहाँ पर वायरिंग की गई है, पूरे वायर को खुला छोड़ा गया। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उस वायर को दिखाएं कि कितना समस्याएं हैं यहाँ पर। जो जिम्मेदारी होती है कि इस तार को खुला ना छोड़ा जाए, टेप लगा करके रखा जाए। अब ये रोड का किनारा है, यहाँ पर कई सारे लोग दिन भर चलते रहते हैं और कई सारे लोग यहाँ आप जैसे लोग सयाने लोग बैठ भी जाते हैं, थोड़ा कि चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लें। लेकिन किसी दिन अगर जो है तो टच हो गया, तो आराम जो है तो फिर बिल्कुल आराम बाह में परिवर्तित हो जाएगा और आदमी स्वर्ग सिधार जाएगा। तो इतना बुरा काम करते हैं, क्या कहेंगे इन कर्मचारियों को? कर्मचारियों को सरकार को जहाँ काम करते हैं उनको बोलना चाहिए, सस्पेंड करा देना चाहिए, उनको अच्छे से बनाओ, टेप लगाओ, निलंबित नहीं करना चाहिए, सस्पेंड नहीं करना चाहिए ऐसे कर्मचारियों को, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये बताइए? आप जैसे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सस्पेंड क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी नौकरी ले ली जानी चाहिए कि नहीं? क्योंकि आप हो या फिर कोई भी हो, जिंदगी तो किसी की भी इतनी हल्की नहीं होती है, खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है, कोई भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है। तो ये चाहिए ना कि ऐसे कर्मचारियों को सीधे नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त कर दे जी। भाई उनसे आप लोग पूछिए ना, कहाँ मिलेंगे जब हमें समस्या है। जाओ क्या बोलते, तारापुर कंपनी एमपीपी ऑफिस। अच्छा, तारापुर कंपनी ऑफिस में मिलेंगे वो सारे कर्मचारी जो यहाँ जबलपुर के विद्युत विभाग से रिलेट करते हैं, है ना? तो आप लोग जाइए वहाँ जी, तो आप लोग उनसे बात करिए। चलिए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जा करके उन जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों बड़े बड़े करेंगे, मिलेंगे कमिश्नर, बहुत बड़े अच्छे अच्छे मतलब होम गार्ड वाले जी, बड़े बड़े अफसर लोग, उनसे बात करिए ना आप। चलिए ठीक, तो ये एक खबर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से लापरवाही पूर्ण काम किया जाता है और जहाँ पर टेपिंग करनी चाहिए, जहाँ पर अच्छे से वायरिंग करनी चाहिए, उसको खुला छोड़ देते हैं। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, नमस्कार। ये देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट वाले खम्भे हैं, जिसमें तार की वायरिंग जो है तो कटी हुई है। यहाँ पर टेप लगाया गया है, लेकिन और टेप किस तरीके का, किस क्वालिटी का और कैसे लगा है, ये भी देखना एक जरूरी बात है। आप अभी कुछ वायर ऐसे हैं जो कि खुले हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, कुछ में तो टेप है लेकिन कुछ खुले हुए हैं।
अभी आपने देखा कि यहाँ के लोग ही बता रहे हैं कि इस तरीके से खोल करके वायर यहाँ पे काम किया जा रहा है। यहाँ पर तो चलिए टेप लगा दिया गया है, लेकिन ये काम बिल्कुल भी संतुष्टदायक नहीं।